2018 में वो अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा जा चुका है और 3/25 का केस उस पर हुआ था। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर में अवैध नशे का व्यापार के साथ ही नकली नोट और 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 70 जिंदा कारतूस के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्त में ले उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। आपको बता दें कि उदयपुर प्रतापनगर थाना, घंटाघर थाना और हिरणमगरी थाना SHO के साथ ही उदयपुर DSP ने उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहर को नशा मुक्त और शहर में चल रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई को अंजाम देते हुए ठोकर चौराहे से 32 वर्षीय दीपेश कुमार पिता नाथूलाल पाटीदार निवासी कुलिमपुरा थाना धर्मोत्तर जिला प्रतापगढ़ हाल निवासी जयराम कॉलोनी ठोकर चौराहे से गिरफ्त में लेने के साथ ही मौके पर दीपेश की स्कॉर्पियो से ली गई तलाशी में 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 70 जिंदा कारतूस, 200 रुपये के 100 नकली नोट के साथ ही 320 ग्राम MDMA बरामद हुई, जिसकी बाजार की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए होना सामने आया है। उदयपुर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि हालांकि आरोपी को 2018 में भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, साथ ही शहर में आरोपी सोभागपुरा क्षेत्र में एक अन्य के साथ पार्टनरशिप में शराब का ठेका भी चलाया करता था। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को नशे के साथ ही अवैध हथियारों का एक बड़ा व्यापारी होना बताया है, शहर में हथियार बेचना भी कबूल किया है। मौके से बरामद स्कॉर्पियो को भी जब्त में लिया गया है। कल शाम को करीब 6-6:30 बजे, और उस समय कार्रवाई हमारी जब शुरू हुई है करीब 6:30 बजे, उस समय ठोकर चौराहा के पास हमारी टीम जो गश्त कर रही थी, हमारे SHO प्रताप नगर श्री दर्शन सिंह और उनकी जो टीम गश्त कर रही थी, उनको अचानक ही कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो भागने लगा। इनको उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उन्होंने उसका पीछा किया। एक गाड़ी में स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो चढ़ के बैठ रहा था, उसको इन्होंने घेराबंदी करके पकड़ लिया। पकड़ के उसकी तलाशी ली तो उसके पास से, और गाड़ी को पकड़ा जब तो उसके पास से कपड़े की थैली में 2 पिस्टल्स और 2 रिवॉल्वर्स और MDMA ड्रग 330 ग्राम उसे रिकवर हुआ है। 70 राउंड भी मिले हैं जो 7.65 बोर और 0.22 बोर के हैं। इन्हीं बोर्स के वो पिस्टल और रिवॉल्वर हैं। उसका नाम दीपेश पाटीदार है, जो धमोतर थाना, धमोतर प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है, और उस संबंध में उससे पूछताछ की गई है कि कहां से उसने लाया। पूरी पूछताछ चल रही है उससे, और उम्मीद है कि हम एक पूरी चेन को ब्रेक कर पाएंगे। शहर में जो MDMA आती है और काफ़ी प्रचलन इसका बढ़ गया है, उसका वो सप्लायर उसने पूछताछ में बताया है, इस शहर में सप्लाई करता है, कहाँ से लाया, वो किसको दे रहा है, इसकी पूछताछ चल रही है। वेपन्स भी वो बेचता है, उसने प्रारंभिक पूछताछ में 80,000 रुपये में एक वेपन बेचना बताया है। काफ़ी वेपन वो ऑलरेडी बेच चुका है ग्रामीण इलाकों में भी और शहर में भी। उस संबंध में भी पूछताछ कर रहे हैं कि उसने किस किस को वेपन बेचा है, तो ये सारी पूछताछ चल रही है। साथ ही उसके पास से 100 नकली नोट 200-200 रुपये के मिले हैं, उसको भी बरामद किया गया है। उससे पूछताछ जारी है कि वो नकली नोट उसने कहाँ से लाया, किस प्रयोजन में उसको इस्तेमाल कर रहा था। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला है, MP बॉर्डर पर प्रतापगढ़ पड़ता है, जहाँ का रहने वाला है उस इलाके में काफ़ी ड्रग्स बनाई जाती है अवैध रूप से, और वहाँ से ये संपर्क में है उन लोगों से जो ड्रग्स के सप्लायर्स हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उस इलाके के। साथ ही MP में जहाँ पर अवैध हथियार बनते हैं उन लोगों से भी संपर्क में है। तो ये व्यापार इसने शुरू कर दिया, उदयपुर में ये सेटल्ड है, उदयपुर से आता जाता रहता है, और ये इस तरह से उसने जड़ें जमाई हुई है। इसकी शराब की दुकान भी इसने ठेका ले लिया था, तो उदयपुर में ये सेंटर्ड हो गया है अब, और ये धंधा वो उदयपुर में सेंटर होके कर रहा है लगातार। हमारे स्पेशल के जो लड़के हैं, रमेश है, चंद्र कुमार है, मल्ला राम है और हरिंदर है, ये लोग जिला स्पेशल टीम के लड़के हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लगातार ये काम कर रहे हैं। हमारे स्पेशल के लड़कों ने काफ़ी वेपन्स पकड़ी है पिछले कुछ समय में, आपने देखा होगा काफ़ी MDMA पकड़ी गई है। जो चिन्हित किए हैं बदमाश उनको भी लगातार पकड़ा जा रहा है। इस बार की कार्रवाई से हमें उम्मीद है कि हम इस कड़ी को
और आगे न सिर्फ तोड़ पाएंगे इस चेन को, बल्कि इस चेन में शामिल अन्य अपराधियों को पकड़ पाएंगे। पूर्व में 2018 में वो अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा जा चुका है और 3/25 का केस उस पर हुआ था। तो बेसिकली वो सप्लायर है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस अवैध कारोबार की।